फाइनली जो है ना हमने सिंगापुर में लैंड कर चुके थे। मेरे ख्याल से ये इसके अंदर वो फाउंटेन है जो है ना, ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। सो गाइस अभी हम ले रहे हैं भैया टर्मिनल 2 के लिए स्काई ट्रेन। ट्रेन देख रहे हो आप ये वाली फूड कोर्ट के लिए। भाई देखो क्या सिस्टमेटिक कर रखा है। उनसे सिम में पूछते हैं क्या रेट चल रहा है और हम आए थे बाली इंडोनेशिया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी नमस्कार, गुड मॉर्निंग बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, आई होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली जो है ना हमने सिंगापुर में लैंड कर चुके थे और अभी हम बैठे हुए हैं। अभी हमें हमारा जो फ्लाइट है वो 3:30 बजे की है सिंगापुर के हिसाब से, और अभी सिंगापुर के हिसाब से टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं यहाँ के हिसाब से। तो हमने सोचा यार थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, अभी इतने आर्ट्स क्या ही करेंगे, थक भी रखे हैं, नींद भी पूरी ढंग से नहीं हो रही। तो भाई अभी कॉफ़ी लेने के लिए आया हूँ मैं पॉल लिक कैफ़े, जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ कॉफ़ी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ ज्योति के साथ मिलता हूँ आप लोगों को। एक बढ़िया सी हॉट कॉफ़ी पीते हैं यार। गुड मॉर्निंग बोल दे जनता हूँ। सो गाइस फाइनली ज्योति विश इज़ हेयर, आर कॉफ़ी इज़ हेयर। मैंने मंगाया भैया लाठी है, इसने मंगाया कैपेचिनो, उसके लिए लिया मैंने कैपेचिनो, अलग अलग टेस्ट हो जाएगा। गाइस फाइनली अपनी शुगर आ गई है, ब्राउन शुगर। एक्चुअली क्या है ना, उनके ना बगल जिस बगल में उन्होंने रखा करते भाई बहुत सारे शुगर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उठाई कॉफ़ी छिलता हुआ आ गया। और अभी ना हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। जो फाउंटेन वगैरह मैं आपको बता रहा था ना कि वो यहीं पर है, तो वहाँ पर जाएंगे, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा थोड़ा एनर्जेटिक मोड में आ जाए हम। भाई क्या मशीन है, आदमी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है यहाँ पे, हैं सैनिटाइज सब कुछ, सफाई वफाई सब कुछ कर रहे हैं, मैन पावर कम कर दिया, सब कुछ ऑटोमेशन। सो गाइस फाइनली जो है ना भाई हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं, क्योंकि जा रही है एक बार वॉशरूम, उसके बाद हम आप चलते हैं भैया थोड़ा घूमने, क्योंकि यार बैठे बैठे भी ना नींद तो आ रही है, बट वो उस हिसाब से हम सो नहीं पा रहे हैं, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है सोने में। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा यूटिलाइज ही कर लें, घूम ही ले, तो अच्छे से नींद ही नहीं आ रही है। तो और दूसरी चीज़ क्या, हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, सामने एक काउंटर था जेट स्टार का वहाँ पे, और हमारे जेट स्टार की फ़्लाइट है यहाँ से, तो हमने भैया वहाँ पर गए अपना पासपोर्ट दिया। और जो मुझे इंडिया से बोर्डिंग पास मिला था ना, मेरे को वो वाला बोर्डिंग पास मैंने दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि उसमें जो था ना हमारे भाई लगेज का इन्फॉर्मेशन था। तो उन्होंने क्या उसके बाद वो भी चेक कर, जो है उन्होंने हमें भैया बोर्डिंग पास दे दिया। तो फाइनली जो हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, हमारी फ्लाइट की टाइमिंग है उससे 2 घंटे पहले हमें स्क्रीन में यहाँ पे वो शो हो जाएगा कि हमें कौन सा गेट नंबर बजाना है। वहाँ जाएंगे आराम से अपना चेक इन वगैरह करेंगे और फ्लाइट में बैठेंगे, सीधा पहुँच जाएंगे जब डेस्टिनेशन पर। और अभी हम मैं आपको लेकर चलता हूँ फाउंटेन, जो आपको कह रहा था ना फाउंटेन की। हम जियो आ चुकी हैं, जियो जी आ चुकी हैं अपना। बंदी ने भाई नींद भी निकाल ली, इस बंदी ने नींद निकाल ली थी वहाँ पर लेटी हुई, अब भैया इसने पसाड़ के अपना सो गए, मैं से जगा रहा हूँ जियो जियो जियो, बोर्डिंग पास के लिए मैं से बुला रहा था भाई, उठी नहीं थी भाई, कहीं भी सो सकती है लड़की कहीं भी। और एक ही फंसा हो गया हमारे साथ, सही होगा, मैंने अभी इनसे पूछा था, वो कह रहा है कि जो फाउंटेन वाला है ना उसके लिए वो इस एयरपोर्ट के अंदर नहीं है, वो बाहर है, तो तुम्हें भैया इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, कौन जाएगा भाई इमिग्रेशन के थ्रू बाहर। भाई हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, कहीं बाहर चले जाए अंदर आने के लिए फिर कुछ और प्रोसीजर हो, फंस जाए क्यों बाहर, तो गाइस यार नहीं जा पाऊंगा, सॉरी गाइस यार, मैं आप लोगों को नहीं दिल खावाया, लेकिन जो सरप्राइज़ है वो आप लोगों को जरूर रिवील करूंगा मैं, वो भी सिंगापुर के एयरपोर्ट में करूंगा। अभी थोड़ा सा हम जगह देखने को, अच्छी सी जगह हो जाए, मिल जाए वहाँ पे आराम से, तो वो सरप्राइज़ जो है आप लोगों को रिवील करा जाएगा। मेरे ख्याल से ये इसके अंदर वो फाउंटेन है जो ये देख रहे हो, और इसके लिए मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा हमें। ऐसा कुछ है, पर एक बार मेरे ख्याल से हम कन्फर्म कर लेंगे, वो तो मैंने अभी पूछा था भैया से, तो उन्होंने यही बताया। तो ट्रेन देख रहे हो आप ये वाली, इसी में आए थे हम, तो ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आपको ट्रांसफ़र करना है ना। तो भैया ये उन्होंने बना रखा है, आपको दिखाऊंगा एक बार। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, तो आप बना रखा है भाई इन्होंने, बटरफ्लाइज ऑफ द ट्रॉपिक्स भाई, कलरफुल कलरफुल है सारे सारे बटरफ्लाई, इतना मस्त बना रखा है ये देखो, क्या लग रहा है यार, और यहाँ से फाउंटेन निकल रहा है मस्त, कितनी सारी बटरफ्लाई है देखो, ये वाली बटरफ्लाई देखो आप, 18,500 कैन बी फाउंड इन सिंगापुर। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ये जो है ना ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है देखो, ये भाई ग्रोन अप हो रहे हैं यार, लार्वे बन रहे हैं, उसके बाद देखो उसके अंदर निकल रहा है बटरफ्लाई, वाओ क्या चीज है भाई, पूरा का पूरा होल साइकिल दिखा रहा है जो हम पढ़ते थे ना। तो ये वाले तो बन भी गए, अभी उड़ेंगे इसको निकाल देंगे, ये उड़ेंगे यहाँ पे, पाइनएप्पल वगैरह रख रखे हैं, फ्लावर्स हैं ताकि ये आराम से ना मतलब हाँ नरिशमेंट वगैरह ले लें, और बढ़िया बना, देखो क्या बढ़िया बना रखा है,
कितना नेचुरल है यार, है ना, मस्त नहीं है। सो गाइस अभी हम ले रहे हैं भैया टर्मिनल 2 के लिए स्काई ट्रेन। सो गाइस हम आ चुके हैं स्काई ट्रेन पर, अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 1, वहाँ से जाएंगे फिर टर्मिनल 3। वो क्या स्काई ट्रेन है। अभी ना हम ना फूड कोर्ट में आए हैं, और फूड कोर्ट के लिए भाई देखो क्या सिस्टमेटिक कर रखा है, यहाँ पे ना आपको खुद से ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसे स्क्रीन लगा रखी है। तो अभी हम कर रहे हैं मी गोरेंग, नो एडॉन्स। हाँ तो वैसे अपने ने स्लिप निकल गई, उसमें से कर दी थी मैंने, कार्ड लगाया तो अपने आप उसने ना भाई ले लिया पेमेंट। अब किसके पास जाना हमने, आ गया ना काउंटर। हमने ऑर्डर किया भाई टैक्सिंग से। एक्सक्यूज मी भैया ऑर्डर हो गया, देख रहे हो गाइस पूरा हाईटेक बना रखा है भाई इन लोगों ने, मतलब खुद से करो, कोई वो नहीं है, सेल्फ सर्विस है भाई सब कुछ। बट लेकिन यहाँ के लिए आपको कार्ड चाहिए भाई, कैश नहीं चलेगा, भूखे मर जाती है लड़की पूरा। और गाइस हम ना भाई वहाँ पर टर्मिनल 3 गए नहीं, एक्चुअली क्या नीचे पहले इमिग्रेशन ऑफिस गए, उन्होंने हमने उनसे पूछा कि हमें ज्वेल्स फाउंटेन वाला है उसमें जाना है, उन्होंने बोला क्या वीज़ा है कोई, उन्होंने बोला हमारा वीज़ा तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो वीज़ा है वो ऑनरेबल वीज़ा मिलेगा जहाँ हम जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला किसी और कोई और कंट्री का वीज़ा है कुछ भी, हमने तो हमारे पासपोर्ट में कोई वीज़ा है ही नहीं अभी, तो भैया उन्होंने बोला कि आप मतलब वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, तो भैया जो भी फाउंटेन ज्वेल्स फाउंटेन जो मेन है सिंगापुर का वो देखने के लिए आ गया, वीज़ा ज़रूर होना चाहिए भाई, वहाँ पर कैंसिल हो गया तो हम वहाँ गए नहीं। अब वहाँ पर फूड खाने के लिए, तो हम सोचा कि आप लोगों को एक बार यहाँ का फूड ही ट्राई करके बाद दिखा दें कि यहाँ का फूड कैसा होता है। फूड कोर्ट देखो आप, मस्त तो गाइज़ फाइनली जो हमने मंगाया था ना मी गोरेंग वो आ चुका है। तो इसमें भैया है आपका, हम ये क्या क्या बोलते हैं इसे, नहीं क्या बोलते हैं, प्रॉन्स। सो गाइज़ इसमें प्रॉन्स और ये नूडल्स हैं, और लड़की देखो कैसे खा रही है, और हम ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट, मैं तुम्हें मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, चॉपस्टिक से ट्राई कर रही है, खाया जा रहा तेरे से चॉपस्टिक से, नहीं खाया, इसका ट्रिक होता है भाई, हमें ट्राई तो करने के लिए चॉपस्टिक लेके आए हैं, लेकिन हमें एंड में इसी से खाना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेके आए हैं भैया की चटनी, तीखी वाली चटनी, कैसा हो रहा है टेस्ट में, मस्त हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, मैंने पता नहीं क्या खा लिया, और फिश का खाया भाई, ये होता देखो भाई, अब हमें तो पता नहीं है क्या कैसा फूड है क्या नहीं है, लेकिन हमने तो इसमें ये पता है कि प्रॉन्स हैं और अब समय नूडल्स हैं, प्रॉन्स तो कह रहा है मैंने खा रखे हैं, अब टेस्ट वेस्ट करते हैं सर कैसा है खाना, प्रॉन्स खाना यार सही है, बढ़िया है, हाँ खुश होगी लड़की, फुल देख रहे हो, चॉपस्टिक से खा रही, मेरे से नहीं खाया जाएगा भाई। फाइनली गाइस ओपन करते हैं जी अपना मैकबुक फर्स्ट वन, और ये देखिए आप क्या है, फाइनली गाइस अपना मैकबुक एयर वन आ चुका है, और इसकी ओपनिंग हो रही है भाई सिंगापुर में बैठ के, मैंने ऐसे आप लोगों को बोला सिंगापुर में बैठ के इसको ओपनिंग करूँगा, और प्लेन भी आ रहा है भाई पीछे से, आवाज़ आ रही है प्लेन की, तो आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्या लुक आ रहा है भाई इसका, मस्त आ रहा है, The color is rose gold. इस तरह का है, आप लोग देखो, ये मैंने एक्चुअली पहले से लॉगिन कर रखा था, यहाँ पर मैंने फिंगर टच करिए अपना ले लिया, तो कुछ इस तरह का दिखता है भाई साहब, ठीक है ना भाई, मैं थैंक यू बोलूँगा ज्योति को, क्योंकि मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन आया था, तो मैं ले चले जाता हूँ, एक्चुअली क्या रैंडम ये सैलून गई थी,
इसलिए अपना हेयर कट करवाई थी मैं गया, मैंने सोचा कि यार चलो मैकबुक देख लेता हूँ। मैंने मैकबुक देखा, एकदम से रैंडम प्लान बना, मैंने इसे बताया और ये चीज़ों को समझती भी है कि हाँ भाई चल ठीक है, मेरे को जरूरत भी थी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अभी तक फ़ोन में एडिट, जो भी आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो ट्रैवल सीरीज़ के कुछ भी ब्लॉग्स देखते हो सारे मैं अपने फ़ोन में एडिट करता हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे लिए डेटा स्टोर करने में क्योंकि भैया फ़ोन का जो है स्टोरेज जल्दी जल्दी जो है भर भी आता है, ऊपर से मैं तो एडिटिंग भी मैं सोचता था कि एडिटिंग में और टेस्ट कर सकता हूँ, उसी के लिए मैंने ये लिया है। तो अब जो है ना, और एकदम से इसलिए ले लिया क्योंकि हमने सोचा था कि जो हमारी ट्रिप है उसके बाद मैं लूँगा, बट मैंने सोचा कि जब मेरे को बाद में लेना ही है तो भाई अभी ले लेता हूँ ताकि जो हमारी ट्रैवल के टाइम पे हमें स्टोरेज की प्रॉब्लम ना हो। अपना आईफोन 2 इसमें जो है ना मैकबुक में इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा, और तो एडिटिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टोरेज की दिक्कत नहीं होगी, तो तब के जो है ना बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बनेंगे। एक बार अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो लेकिन जल्दी रिवील हो जाएगा इसकी जो मैकबुक की जो सरप्राइज़ जो था ना जो आप लोगों को हमने रिवील कर ही दिया, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं, इसको डालते हैं डिब्बे में। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डिपार्चर में, ये देखो आप D36 गेट नंबर है, हम यहाँ पे बैठते हैं। सो गाइस फाइनली हमने वही अपना फ्लाइट जो है वो ले लिया, अभी वो है ना 3:15 मिनट के बाद जो है फ्लाइट टेकअवे ले लेगी। और ये देखो आप लड़की बैठी है विंडो सीट पे, बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली जो है भाई हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 6:30, मोर देन 6:30 हो चुके हैं यहाँ पर शाम के। और हम कहाँ आए हैं, और हम आए थे बाली इंडोनेशिया। फाइनली हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, इतनी देर से आप लोगों को सस्पेंस बना के रख रखा था। तो अभी हम जा रहे हैं भैया पहले इमिग्रेशन के लिए और ऑन अराइवल वीज़ा का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के लिए, और देन उसके बाद हम अपना लगेज उठाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ से कैब वगैरह कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। पहले मैं फ़र्स्ट में जाता हूँ यहाँ से आपका ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं, इमिग्रेशन का जो प्रोसेस लगेगा वो आप लोगों को अपडेट करता हूँ, पहले एक बार मैं खुद से एक बार पता कर लूँ। सो गाइस फाइनली जो है हमने भैया अपना इमिग्रेशन भी करवा लिया है, अब हमें जाना है बैगेज के लिए, और बैगेज के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा Claim 1 & 3 इधर होगा जी। सो गाइस अब अपना बैग वैग उठाते हैं भैया, और उसके बाद यहाँ से देखते हैं कोई सिम मिलती है नहीं मिलती, जो पहले हमें सिम वाला हमने पूछा था अभी वो बहुत महंगा दे रहे थे यार, मतलब 2000 रुपये की सिम दे रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर हमें 1200-1300 रुपये की मिल जाएगी। अभी यहाँ पे मेन जो इशू है वो टैक्सी बुक करने का है, क्योंकि टैक्सी हम नॉर्मल वैसे लेंगे ना, क्योंकि अभी नेट तो चल नहीं रहा, सिम है नहीं, तो वैसे लेंगे तो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो देखता हूँ अभी क्या करता हूँ, पहले एक बार लगेज उठा लूँ, लगेज की टेंशन हो रही है भाई। डन। सो गाइस अपना लगेज भी उठा लिया है। सो गाइस फाइनली हमने जो है ना भाई एग्जिट कर लिया है, और यहाँ पर एग्जिट करते हैं ना, आप लोगों को देखो ऐसे मनी चेंजर के लिए बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मनी चेंज ना भाई एयरपोर्ट से ना कराएं, आप आपको मार्केट में ना बहुत अच्छे रेट मिल जाएंगे। जब आप एग्जिट करोगे ना उससे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कंप्यूटराइज है, सबको समझ में आ जाएगा, आपको डिटेल्स वगैरह भरने, पासवर्ड डिटेल्स वगैरह डालना है, उसके बाद आपका जो है ना भाई ये ऐसे कलर का एक स्कैनर निकलेगा, उसके बाद जो है आप लोगों को ये वहाँ पर डिक्लेरेशन जो ऑफिसर्स वगैरह उनको दिखाना, तो आप सीधा एग्जिट कर जाओगे। यहाँ पर सिम वाला है, उनसे सिम में पूछते हैं क्या रेट चल रहा है, अगर सिम मिलती है तो यहीं से ले लेंगे, फिर उसके बाद यहीं से कैब करके निकलेंगे। सो गाइस फाइनली ना हमने सिम ले ली है भाई, सिम मेरे को पड़ी कुछ 250K इंडियन रुपया, मतलब 250,000 इंडियन रुपीज़ में मेरे को सिम मिली है, मतलब भाई इंडिया का आप लगा लो कि 1300-1350 रुपये, और 5 मिनट में भाई सिम एक्टिवेट भी होगी। और मैं ना भाई कैब के लिए जो है ना गोजैक जो ऐप चलती है वो भी डाउनलोड कर लिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ से जो है कैब वैब बुक करेंगे होटल के लिए, और फिर देखता हूँ कितना रुपये आता है होटल का, कैब का कितना रुपये आता है वो देखते हैं, फिर बताता हूँ आपको। एक बार पहले होटल पहुँच जाए, पहले कैब बुक कर लूँ उसके बाद बताता हूँ। फाइनली हमें अपनी कैब मिल गई है भाई, बड़ी मशक्क़त से मिली है। एक्चुअली क्या है, भैया जो थे वही वो खड़े थे भैया पार्किंग लेवल 3 में, और हम नीचे वेट कर रहे थे 1 में, फिर इधर हमने चैट में आपस में बात करी, उन्होंने हमें फ़ोटो भेजी, तो आप फ़ोटो वोटो खींच के भेज सकते हो उसमें, तो हम थोड़ा आइडिया लग गया था, उसके बाद भैया मिल गए हम, तो दिमाग लगाना पड़ता है। सो गाइस फाइनली जो है भाई निकल चुके हैं वहाँ से पार्किंग से एयरपोर्ट से, और यहाँ पे ना बाली में भाई वो हो रही है, बारिश हो रही है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जो है बारिश कभी भी हो जाती है और रुक भी जाती है, तो ये सब चलता रहता है। बाकी हमने गोजैक से अपना बुक किया था कैब, तो बढ़िया है यार, फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़िया है, 2 मिनट में कैब भी आई गई थी, बस थोड़ा ढूंढने में लग गया था, नए हैं तो पता ही नहीं चला। सो गाइस एक चीज़ और, जैसे हम यहाँ से निकले थे तो यहाँ पे बीच में टॉल पड़ा था, तो टॉल के पैसे ना आप लोगों को देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा नहीं, वो इंडियन रुपीज़ 54 रुपीज़ दिए हमने उन्हें,
तो ये चीज़ भाई अभी हमें पता लग रही है। तो टॉल और पार्किंग वगैरह के इन सब के जो चार्जेस है ना, वो एक्चुअली ऐसे हमारे उसमें ओला उबर में क्या होता है कि पहले से ही इंक्लूड होके आता है सब कुछ, टॉल वगैरह, तो यहाँ पे इंक्लूड होके नहीं आता होगा। हमें जो कैब जो पड़ी वो 381 रुपीज़ की पड़ी और बाकी वही लगभग 450 रुपये का पड़ा। तो ठीक है यार, अगर यही मैं टैक्सी वालों से लेता तो भैया ये वो मेरे से कम 800-900 रुपये लेते। सो गाइस फाइनली जो है भैया अपने पहुँच चुके हैं, 1 लाख रुपीज़ दिए थे हमने, 1 लाख इंडियन रुपीज़ इंडोनेशिया रुपीज़ भैया जी को, उन्होंने हमें 23,000 वापस दिए। अब चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और फिर अंदर में सीधा होटल के अंदर ही मिलते हैं आप लोगों को। फाइनली हमें रूम में पहुंच चुके हैं, छोटा सा रूम करवा रखा है, ज़्यादा महंगा हमने करा नहीं क्योंकि भैया 3 दिन रेस्ट के घूमना है, होटल में थोड़ा रुकने आए हैं। होटल में तो सिर्फ रात बितानी है हमने, सोने के लिए आएंगे। ये देखिए बढ़िया बारिश हो रही है भैया, अभी तो मस्त एकदम तेज़ हो रही है बारिश। अभी बाली में आते ही हमारा स्वागत बारिश के साथ हुआ। फाइनली भैया हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं, तैयार शहर हो चुके हैं, कच्चा सच्चे में आ चुके हैं। यहाँ से गर्मी हो रही है फुल, और जोते बेच रहे हैं बाल सुखा के लड़के, ये देखिए आप। अब उसके बाद चलते हैं गाइस, अपना जो है धीरे धीरे करने चलते हैं, देखते हैं यार। सोचेंगे आज इंडियन खाना खाने के सोच रहे हैं यार, हमने वहाँ पे सिंगापुर में ट्राई किया था, वो पसंद नहीं आया खाना हमें, और अभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि भूख बड़ी गंदी लग रही है। पता चले अभी कुछ गलत चीज़ मंगा ली और टेस्ट ख़राब मिला तो मज़ाक क्रिकेटा हो जाएगा, और मैं अपना मूड क्रिकेटा नहीं करना चाहता हूँ गाइस। मार्केट निकल चुके हैं, छाता था लेके होटल से लिया हमने अम्ब्रेला, वैसे अभी तो हल्की है, आ जा चल जाएगा आ जा। और ये देखिए यहाँ की स्ट्रीट मार्केट, यहाँ क्या मिल रहा है, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ तो है? यहाँ तो भैया वही ट्रायंगुलर अंडा वंडा मिल रहा, यहाँ तो गाइस अंडा मिल रहा है, अंडा अंडा का फंडा। बाली की वादियों में गाइस हम आ चुके हैं और हमारा स्वागत हुआ है बारिश में। मैं और मेरी वाइफ जो अपने पे छाता पूरा करके घूम रही है और अपना पति घूम दिखता रहे, कोई मतलब नहीं। फाइनली अभी हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नासी गोरेंग खा रहे हैं, वो भी आधे घंटे के बाद मिला है भाई, जैसे ही निकले थे तेज बारिश हुई। ऊपर से यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और दूसरा यहाँ पे खाना भाई अजीब सा ही मिलता है, तो भैया हमने सोचा कि अब ये फ्राइड राइस टाइप के हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से उनको समझाया तब जाके ये चीज़ मिला है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही भाई, इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही ना, बोलनी भी नहीं आ रही, समझने भी नहीं आ रही, तो सीन ये है, और बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, और वैसे भी ऑप्शन बहुत कम है। और दूसरा ना हम जहाँ रुके ना कोटा में थोड़ा सा क्या है, इतने शॉप्स वगैरह नहीं है, बट कल से जब हम जाएंगे जैसे कैंगो वगैरह जाएंगे वहाँ पे बढ़िया कैफेज वगैरह है ये सब कुछ है, तो वहाँ पर कल दिक्कत नहीं होगी। और बाकी खाना तो सब जगह एक जैसे ही मिलता है, थोड़ा टेस्ट थोड़ा बेटर मिल जाएगा, ऑप्शन ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे। तो अब खाते हैं भैया, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं।